विधान परिषद के चुनाव में आज मुरादाबाद की 5 तहसीलों में बनाए गए 12 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है, लेकिन शिक्षक मतदाता सुबह 9 बजे के बाद ही मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान करना शुरू किया। शिक्षक विधायक दल के विधान परिषद के उम्मीदवार के चुनाव के लिए हो रहे मतदान में मुरादाबाद में भी 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विधान परिषद के चुनाव में लिए टीमें कल ही मतदान केंद्र पहुँच गयी थी। चुनाव के लिए 10 सेक्टर व 7 जोनल मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया था। 798 शिक्षक मतदाता मुरादाबाद में 12 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइंस के नियमों के पालन के साथ कराया जा रहा है मतदान। थर्मल स्कैनिंग के बाद स्वस्थ होने पर मास्क लगाकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद ही बूथ में प्रवेश दिया जा रहा है। आज चुनाव हो रहा है, उसमें लेकर क्या प्रक्रिया रखी गई है और कितने बूथ बनाए गए आपके क्षेत्र में, यहाँ बिलारी में? बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन जो आज हो रहा है, आज तो उसमें जो बिलारी ब्लॉक का है उसको तहसील बिलारी में बनाया गया है, और जो कुंदरकी का ब्लॉक है, जो कुंदरकी में हमारे वोट है, उसको कुंदरकी ब्लॉक में बनाया गया है। तो इसी तरीके से हमारे जो कुछ वोट सैंसपुर ब्लॉक में आते हैं तो वो बिलारी तहसील में डल रहे हैं, और जो कि हमारे कुंदरकी ब्लॉक में आते हैं वो कुंदरकी में डल रहे हैं, और जो बनियाखेड़ा में आते हैं वो संभल में। तो हम लोग जो है आज संजय कुमार मिश्रा जी गुरु जी जो MLC हैं उनके लिए आज हम लोग जो है इंशाल्लाह चुनाव का जो प्रणाली चल रही है उसमें सब लोग वोट डाल रहे हैं। आज वित्त विहीन से लेकर के सभी शिक्षकों का ये चुनाव है। मैं उम्मीद करता हूँ शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग अपने वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें उम्मीद ही नहीं यकीन है, पूरा भरोसा है कि अखिलेश यादव साहब ने जो शिक्षकों के लिए काम किया है, अखिलेश यादव साहब ने जो मानदेय से लेकर वित्त विहीन को वोट डालने का अधिकार दिलाया है, अखिलेश यादव साहब ने जो टीचर्स को इज्जत देने का काम किया है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये इलेक्शन हम लोग ही जीतेंगे और संजय कुमार मिश्रा जी दोबारा विधायक बनकर किसान जो हमारे शिक्षक हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जो रुके काम हैं मानदेय से लेकर और बहुत से ऐसे काम हैं जिनको पूरा करना है, अभी उम्मीद है कि हमारे मिश्रा जी जीतकर विधान परिषद में जाकर किसान हमारे शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और शिक्षकों के अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे, शिक्षकों के जो हमारे जो रुके हुए काम है उनको पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं शालीनता के साथ, प्यार के साथ अपनी पर्ची ले रहे हैं, अपना मास्क लगा के सैनिटाइज हाथ को कर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए आज ही मतदान हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शानदार तरीके से मतदान होगा और समाजवादी पार्टी का जीत का परचम लहराएगा। अखिलेश यादव की जिंदाबाद होगी इंशाल्लाह।